देवास के कन्नौद में दातुनी नदी के सुकलिया ठिकरिया डैम से नदी में पानी छोड़ने से आक्रोशित किसानों ने डैम के सामने नेशनल हाईवे स्थित सतखालिया में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के चलते करीब 2 घंटे तक जाम में कई वाहन फंस गए और वाहनों में सवार यात्री परेशान होते रहे। नहर विभाग के एसडीओ गुंजन सक्सेना की ओर से आक्रोशित किसानों को डैम से नहर व नदी में छोड़े जा रहे पानी को तुरंत बंद करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद चक्का जाम खुल सका। दरअसल 22 मार्च से डैम से नहर के माध्यम से पानी छोड़कर 2500 हेक्टेयर कृषि भूमि में मूंग की फसल हेतु पानी दिया जा रहा है। कुछ किसानों ने दबाव बनाकर नहर का पानी नदी में छोड़ दिया था, जिससे नहर किनारे के आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर दिया। शंकर पटेल इधर आ, इधर आओ पहले। चुप रह जाओ। साहब क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनकी सुन लो। इसके बाद अपना निर्णय। अभी सभी लोगों से हमने बात करके बताइए। अभी हम क्योंकि रोड है, हम लोग 2 घंटे से लग जाएंगे। मेरा निवेदन सुन लीजिए। अभी 3 दिन पहले ये निर्णय लिया गया था, उनके द्वारा नहर छोड़ दी गई थी। आपको पता है शायद मेरे बात छोड़ दी गई थी। अधिकारियों सब किसानों में जाए गए, अधिकारियों को वहाँ बुलवाया कि आपने किसके आदेश से छोड़ी गई थी। ई ने बोला ई को कोई अधिकारी नहीं है नहर में, नहर का पानी नदी में छोड़ा जाए। किसी को अधिकार नहीं, कलेक्टर के अलावा। वो भी पेयजल संकट होगा तभी नदी में पानी छोड़ा जाएगा, वरना पानी नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा? पहले नहर प्राथमिकता किसको है? नहर वालों को पानी देने की। अगर उसमें पानी पर्याप्त बचता है तो नदी में पानी छोड़ा जाए, वरना पानी नहीं छोड़ा जाए। आज गुंडागर्दी से किसान उधर के आके और नहर का गेट खोल रहे हैं सर। कोई भी कुछ भी कर देगा सर। काली ने डंडा ले लिया है क्या? अभी देखिए, अभी काली ने आज वो दाल, आज वो आटा सामान सब लेके आए हैं। और वो चौकीदार को भगा रहे हैं। मेरी बात, अगर आप जवाबदारी लेते हो, हमारे पानी का एक मिनट रुको। प्राथमिकता मेरी बात सुनो, प्राथमिकता अभी आपकी है। मेरी बात सुनो, प्राथमिकता हम आपकी बात की मानते हैं। जाम खोल देंगे, हमारा बाप का कुछ नहीं। पर आप जवाबदारी ले रहे हो क्या? नहर में पानी नदी में नहीं छोड़ा जाएगा? गेट बंद करो। किसानों के द्वारा जबरन जबरदस्ती पानी छोड़ा गया है। आप देखिए, आ जाइए।